ऑफिस द बॉस विल वुड हैव कम बॉस वुड हैव कम विल नॉट हैव कम वुड हैव कम इज ऑल्सो राइट एंड आई टोल्ड यू द वेयर यू विल यूज विल एंड वेयर यू विल यूज वुड विल एंड वुड ठीक है. So, by the time I reach office, the boss will not have your won't have come. Clear? मैम तीनों के सेंटेंस क्या होंगे? ये कैट्स एंड डॉग्स बोरिंग है दिल्ली. It's raining cats and dogs. लिखिए. It's raining cats and dogs. It's drizzling. It's drizzling. It's pouring. रेनिंग के साथ पोरिंग नहीं लगेगा, वो इंडिविजुअल अकेले लगेगा. इट्स पोरिंग. वेदर दिस फ्रेज कैट्स एंड डॉग्स कैन बी यूज्ड फॉर द रेन और वॉक. ओनली फॉर रेन्स. ओनली फॉर रेन्स. कैट्स एंड डॉग्स के साथ रेनिंग नहीं आएगा. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है. बहुत तेज मूसलाधार बरसात हो रही है. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स ड्रिजलिंग. बूंदा वाली हो रही है. लाइट शॉन. लाइट शार्क. हल्की सी बौछार सी हो गई. लाइट शार्क वो हल्की सी बौछार. जब एकदम से हल्का सा हो गया एंड बंद हो गई तो लाइट शार्क. सो वी यूज वुड इन प्लेस ऑफ विंड इन अफर्मेटिव. बिल्कुल यूज कर सकते हैं. ये वुड कम क्यों मिल का. बस मैंने आपको बताया ना पॉसिबिलिटी विल में. हाँ हो सकता है. हाँ ये वुड हैव कम. हाँ बिल्कुल. बस पॉसिबिलिटी यही ध्यान है कि वो इसमें लेस इसमें मोर. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर योर टेंसेस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. व्हाई डू वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस. कौन बताएगा मुझे. व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट. व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट. अरे नहीं ऐसे मत कहिए. सब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा. अरे नहीं ऐसे नहीं. पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों होता है कौन बताएगा. थोड़ा सा सोचिए. थोड़ा सा. अच्छा कहाँ होता है बताइए. आप रोज यूज करते हैं. ईमेल में भी करते हैं. लेटर राइटिंग में भी करते हैं. बातचीत में भी करते हैं. आज जब यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तब भी यूज किया. क्यों करते हैं बताइए. एनी आइडिया. नरेट करेंगे. When somebody is narrating the story or जब आप नरेट स्टोरी करेंगे तब आप रिपोर्टेड स्पीच करते हैं.